तीन दवाइयां लेके आना रे। माय गॉड बिग बॉस जूनियर, जैसे कि आपको पता है कि आज पोल खोल एपिसोड है, तुषार भाई कुछ चीजें हैं जो आप बताते नहीं हो लेकिन थोड़ी थोड़ी सबको पता है। रेमो का दवाखाना जिसको है वहां जाना, तीन दवाइयां लेके आना रे। है शक्ति मलहम दिल पे लगाना, धर्मेश चूरन। उनको पता है कि सबको पता है वो चीज, हाँ, पर बोलना नहीं है, पर पता है। लेकिन कुछ हम जैसे लोग होते हैं ये कैसे होते हैं ये वाले, जिनको सब पता रहता है लेकिन वो बैलरीना, कथक बैलरीना। चखने में खाना सुमित की सुई, टैलेंट पे लगाना दे। भाई किस जीवन में एक है कोई जिनके साथ वो हंसते खेलते हैं। ना मिलिए हर संडे रात 8 बजे डॉक्टर रेमो डिस्यूजा से। केकड़े। हाँ भाई, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करे भाई। आज दिन से वो गले लग के अपने ये ऊपर नीचे हो रहा है, देखो थ्रू अंदर बाहर नहीं दिखा रहे हैं कि डर रहे। आज दिल टूटा है मेरा, इतनी शिद्दत से पिद्दत करके मैंने मोहब्बत करी थी इतनों से, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं सब बेच दूंगा आज, अपना सारी शक्ति को पटाने के तरीके, सबको पटाने के तरीके सारे मैं बेच दूंगा आज। ये तेरे को भी बेच दूंगा, तेरी दाढ़ी मूछ सब बेच दूंगा मैं यार, लड़की नहीं पट रही है यार। समझ रहे हो? हाँ समझ रहा हूँ। जो आपके दिल के सबसे करीब है आज वो पोल खोल ही देता हूँ मैं। खोल दे प्लीज, लगाइए कॉल। चेहरा देख तुषार का। अरे अरे यार, नहीं जाना मुझे कहीं छूट चालू करने, यही होगा आज, होगा यहीं इसी जगह सारा निपटारा यहीं होने वाला है। ठीक है, घूर क्यों रहे बे, डायरेक्टर है ना, बदमाशों वाली हरकतें मत कर। नमस्कार। वेलकम अंकल आंटी, वेलकम। हेलो नमस्कार भाई, ये पापा मम्मी है। हाँ तुषार भाई के, क्या हाल है? हाँ तुषार भाई की कोई पोल है जो मतलब आप खोल सकते हैं? ये केक बनाओ। एंड वेलकम टू राधिका आप्टे। व्हाट राघव के आप्टे, आज कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं होगी, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं होने वाली आज। साउंड मैन डायरेक्टर सुन ले, आज कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, आज सिर्फ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है। सिर्फ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज बोलो तो बिल्कुल। क्या था वो? चॉकलेट रखो, इसने कुछ नहीं खाना, मना कर देगा, नहीं खाना मुझे, कुछ नहीं खाना। ठीक है, और जैसे ही हम सो जाते हैं रात को पता नहीं लगता कौन आता है और चुपचाप फ्रिज में से निकाल के खा जाता। दिल तोड़, थैंक यू, दिल तोड़ न्यूज। झंझुल गया हूँ, मेरा हार्ट झंझुल गया है, जहर उल्फत है, चिकन कलेजा लग रहा है। सिप लेके बोलता हूँ। सबसे पहले न्यूज है, कहाँ है भाई डायरेक्टर, फ्रेम में किस साइड जगह है ज्यादा, लेफ्ट? और अंकल इनकी कोई प्रेमिका, कोई गर्लफ्रेंड अगर आपको पता हो तो? अब ये बोल तो ना ही खुलवाओ तो अच्छा है। नहीं ये तो सुनना है, ये तो सुनना है। कहो नहीं
ठीक है, और सुनाओ। आंटी आप बताओ। सबसे पहली न्यूज है ये, मुझे बताओ कि वो लड़की मेरे को हिंट भी देती है, अगर मैं उसे हाय शक्ति बोलता हूँ, मुझे हाय राघव क्यों बोलती है? हाय राघव क्यों बोलती है मुझे? हाय राघव क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। लेकिन नहीं, इंडस्ट्री की चमक धमक देखो। ऐसा हुआ है कि कभी दरवाजा रात को बजा है, घंटी बजी है, या दरवाजा खुला और सडनली कोई लड़की आई, अरे बहू, ऐसा हुआ कुछ? हम तो चाहते हैं ऐसा हो जाए। आंटी है कोई, मतलब? नहीं, हम तो इसको रोज कहते हैं कि करो भाई, कुछ करो, जल्दी करो। इंसानों का अकेला छोड़ देती है, क्या क्या नहीं किया उसके लिए यार। तो मैंने सोचा कि इतने फाड़ू फाड़ू परफॉर्मेंस आ रहे हैं ना, तो तुम्हारे लिगामेंट ना टियर हो जाए, तो उसके लिए मैं तुम्हारे लिए पियर लाया हूं। वो हेवन से गिरी, उसको चोट लगी, मैं उसके लिए दवाइयां लेके आया। तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? चोट तो नहीं लगी ना ज्यादा? कहां चोट लगी, नहीं लगी। हां कर ले यार तुषार। हां आंटी, उम्र भी हो गई है अभी तो। हो गया, पोल खोल दिया, बहुत बहुत पोल खोल दिया। बच्चे तो दिखाओ उनको। ये है हमारा बगीरा। ये है बगीरा। बगीरा ये अभी सिर्फ 20 days old है। नहीं लगी चोट, उस पे रुई लगाई, उसके लिए टी शर्ट बनवाई हाय शक्ति करके, सही से भैया बना दिया। वो तो रेमो सर ने बचाया भैया मुझे कि मैं बच गया, वरना तो भाई पोल खोले। राघव कब से पूछ रहा है, हम भी पूछेंगे राघव से। सांस ऐसे रुक गई मेरी अचानक से ना। कभी किसी फैन से फ्लर्ट किया है तुमने? ऑफ कोर्स। अब हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ में नंबर 2 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, ये गौर से मत देखेगा इसे, इसे गौर से ही देखेगा। उसकी बातों पे मैं फिदा, उसकी चाल चलन पे मैं सुपर फिदा। क्या बोलती है भाई, वाह। एक बार क्या हुआ, मैं शुरू शुरू में मैम किसी शो में आया था और उसमें एकदम आया और स्लो मोशन वगैरह किया और काफी लोग जानने लग गए उसके बाद थोड़ा, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो मुझे सोशल नेटवर्क में एक लड़की से प्यार हो गया बिना मिले। स्पॉट दादा, हल्दी वाला दूध लेके आ जरा, आपके गले को कुछ खराश आ जाएगी, आगे होगी। इतना प्यारा बोलती है, ऐसा लगता है बिल्कुल गेंदे फूल टपक रहे जैसे वो है। कितनी मेहनत कर दी तुम्हारे लिए। मोहब्बत पूरी, इश्क, मतलब बिल्कुल जी जान लगा दूंगा, यही है। श्रीलंका की है, मैंने उसकी टिकट करवाई। हाँ, कि ऋषिकेश आते हैं मिलते, ऋषिकेश इज ब्यूटीफुल, गंगा, गैंजेस, यू नो, बिसाइड्स द गैंजेस, यू नो, तो मैंने बोला अपनी फ्रेंड्स के साथ भी आ जाओ, तो 2-3 फ्रेंड्स आई, उन्होंने खुद की टिकट कराई। तुम्हें सब फ्रेंड्स बियर्ड वाले पसंद है? तुम भी चले गए, तो भी किसके साथ? हमारे सुपर जज रेमो सर के साथ। जब कोई लड़की आम के साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर सकती है, वो मेरे साथ क्यों नहीं कर? टैक्सी वाले को भी मैं बोल रहा हूँ सुबह से कि कहाँ गए, कहाँ पहुंचे, दिल्ली से, दिल्ली से वो देहरादून आने था टैक्सी में, कहाँ पहुंचे? टैक्सी वाले को बार बार परेशान कर रहा हूँ। अरे भैया परेशान कर दिया आप, हर एक घंटे में फोन करके आपकी बंदी को छोड़ दूंगा, मैं ऐसे बोला। ए, बंदी क्या होता है, तभी से बात करो। और उसको झगड़ा वगड़ा हो गया मेरा, फिर आई। मेरे में क्या कमी है? आपके लिए भी मैम मैं कुछ लाया हूँ। मैम नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैम आम आपको बहुत पसंद है, मैंने देखा है। अच्छा। यस, डायरेक्ट देहरादून से है मैम, अल्फांजो। अल्फांजो मेरे में क्या कमी है, बस कि मेरे में गुटली नहीं है। टैक्सी उतरी, 2-3 लड़कियां उतरी, अब मैं अपनी वाली को ढूंढ रहा हूँ। फोटो कौन है? अब वो तीनों लड़कियां खड़ी हैं, मैंने कहा है, मैं ही हूँ। आम में गुटली है बस, अरे असली गुटली दिल होता है, दिल। इतनी बड़ी गुटली है ना मेरे पास, सारे आमों की गुटलियां खत्म हो जाएंगी, मेरा दिल खत्म नहीं होगा तुम्हारे लिए। कटरीना कैफ, यू वेंट विद सेफ। तुम्हें आम इतना पसंद है,
केले में क्या कमी थी जो भाई मेरी वहाँ हालत खराब भाई जैसा फोटो में था बिल्कुल नहीं ऐसा यार। तेरा जैसा बेवकूफी कर सकता ना ये काम। बिल्कुल पीछे चल रहा है छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे जग सुना सुना लगे। अब इतना पसंद है यार क्यों? जहरीली। 2 मिनट के लिए मैंने शक्ति क्या बोला तुम तो गुस्सा होकर धर्मेश भाई के पास भाग गई। धर्मेश यस यू आर डार्क एंड हैंडसम। भाई ये बहुत बुरा हुआ था मेरे साथ। मेरी तो हो गई। तुम बताओ। तुम मेरी शादी हो गई है अब कुछ बताने लायक नहीं रहा। I'm an open book. शादी करके इंसान सच ही बोलता है भाई। मैं कह रही हूँ आदमी सुधर सा जाता है एकदम। कुछ नहीं होगा कुछ ऐसी न्यूज नहीं बनेगी क्योंकि आज से मैंने लड़के को देखना भी छोड़ दिया है। बाल ब्रह्मचारी बन गया हूँ मैं ऐसा नहीं रहता जैसा वो खड़ा है। बट पुनीत क्या रेकमेंड क्या करते हो करनी चाहिए शादी नहीं करनी चाहिए हम जैसे? अरे हम जैसे क्या मैं और तू सेम ही है। देख मेरे हिसाब से शादी इज इक्वल टू डाइटिंग। उनको देखूंगा और अपनी चैट हिस्ट्री भी डिलीट कर दूंगा। सिर्फ ध्यान भटकाना काम है इनका सिर्फ ध्यान भटकाना काम है। और अरे मैडम आपको जानता हूँ मैं यार मैंने आप मेरी ट्यूशन में पढ़ती थी ना। अरे सुनो तो अरे आप पढ़ती थी मेरी ट्यूशन में। अरे लिसन कमली अरे बमली जो डाइट है वो ही प्रॉपर होना चाहिए और उसके बाद मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग। एक मिनट ये क्या हो रहा है यार शादी इज इक्वल टू डाइटिंग डाइटिंग लड़की को पावर सबसे ज्यादा हंसी है माधुरी मैम। व्हाट आर यू सेइंग मैम आप क्यों हंस रहे हो इतना? मैं लेकिन आज से लड़के को देखना बंद कोई हार्ट ब्रेकिंग। अरे मेरी ट्यूशन में पढ़ती थी यार वो सच्ची आई वाज इन सीबीएसई बोर्ड। दोस्तों आपको राघव की वीडियो बहुत पसंद है पर कुछ लोग मुझे कमेंट करके ये बोलते हैं कि भाई तुम वीडियो ना डालो हम कहीं और से देख लेंगे पर उन्हें ये नहीं पता है कि सबसे ज्यादा राघव की वीडियो मैं ही डालता हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं राघव की वीडियो कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ क्योंकि इन वीडियो से मुझे 1 रुपए की कमाई नहीं होती सब पे कॉपी राइट आ जाता है और सारा पैसा इन कंपनियों को चला जाता है। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको मेरी कोई भी 5 इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखनी है ओनली 5 और आप ऐसा करोगे तो राघव की वीडियो मैं कंटिन्यू करता रहूंगा वरना ऐसे मैं कब तक काम करूंगा। सिर्फ 5 वीडियो की ही तो बात है इसमें मेरा और आपका दोनों का ही फायदा है।